बस अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये देख सकते हैं आप सुबह का मंजर, देखो और ये देख सकते हैं बाहर कितना फोग लगा पड़ा है। ये देखें हर तरफ फोग ही फोग, इतनी ठंड है। ये देखें नमाज पढ़ेंगे क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है तो नमाज पढ़ी जा सकती है। चले नमाज पढ़ते हैं। सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, कैसे होंगे। मेरी दुआ है कि मेरे प्यारे भाई बहन जहाँ भी रहें अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश और आबाद रखे। जैसे कि हमारी सुबह हो चुकी है, अभी सूरज नहीं निकला है, वरना लोग कहेंगे आके कि आप कैसे नमाज पढ़ रही थी, सूरज भी नहीं निकला था, मतलब सूरज निकल गया तो देखें अभी सूरज नहीं निकला है। आज मैं आपसे सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अभी देखिए हमने फर्श धोया है तो मैं इसको वाइपर लगा रही हूँ। ठीक है बस, जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अभी मैं नाश्ता भी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी यहाँ पे हम वाटर कूलर बना रहे हैं, बर्फ डाल रहे हैं। व्यूवर्स अभी मैं आटा लेके आई हूँ, फ्रिज से निकाल के आई हूँ, रात जो बच गया था उसी से अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी अपने शोहर के लिए। और ये देखिए ये मैं भिंडी लेके आई हुई हूँ, तो अभी इस भिंडी को निकालते हैं। ये देखिए हरी सब्जियाँ खाया करें व्यूवर्स, बहुत अच्छी होती हैं। और ये देखिए यहाँ पे नींबू भी है और हमारे पास ये थूम भी है, ग्रीन चिलीज भी हैं और धनिया भी है। तो चलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी इसको हम वॉश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका अभी हम पानी निकाल देंगे। ये देखें इसका पानी निकल रहा है और अभी मैं इसको काटना स्टार्ट करती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ यूएस के आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँ। मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको एंजॉय करवाऊँ अपने ब्लॉग्स में। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल बटन आइकॉन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पास आए पहुँच सके। तो चलिए व्यूअर्स मैं ये खाना बनाऊँ फिर आपको खाने की लुक दिखाती हूँ, बस साथ रहिएगा इंशाल्लाह, इस चैनल पर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। रहमान रहीम, ये देखिए व्यूअर्स अभी हमने तवा रखा है, ये गर्म हो रहा है और अभी अम्मी ने कहा कि आप भिंडी बना लो मैं रोटी बना लेती हूँ। तो ये देखिए अभी ये बेलन है हमारा, इससे हम रोटी बनाएंगे। अभी ये गीला हो चुका है क्योंकि हमने बर्तन धोए थे ना, तो ये गीला हो चुका है।
ये देखें अभी हम अम्मी कपड़ा उठा रही है और इसको फिर अच्छे तरह से हम साफ करेंगे, क्योंकि जिस जगह पे खाना बनाया जा रहा है तो उस जगह क्योंकि जिस जगह पे खाना बनाया जा रहा है उस जगह को अच्छा करना ना तो बनता है। तो ये देखिए हमारा तवा यहाँ पे गर्म हो रहा है, अम्मी इसको भी सफाई कर रही है। ये देखिए और यहाँ पे सूखा आटा पड़ा है, यहाँ पे ऑयल निकाला है इस बोतल से, और ये देखिए अभी धुएं निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए रोटी दिखाती हूँ आपको। देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बन रही है गर्मा गर्म। जिस भाई बहन को खानी है आप आ सकते हैं हमारे साथ खा सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, कपड़े सेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं विलेज, तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, विलेज जाएंगे। और ये देखें कपड़े अभी अम्मी सेट कर रही है, शॉपर्स में अलग अलग कर रही है। ये छोटी सिस्टर का ड्रेस है, ये भी हम कढ़ाई करवाएंगे गांव से। ये भी हमारा गांव है जा रहे थे, आज हम दूसरे गांव जाएंगे। तो ये देखें कपड़े सेट कर रही है। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से भिंडी तैयार हो रही है और रोटी भी हमने पका दी है। रोटी देखें इसमें पड़ी है और इसमें अभी हम भिंडी बना रहे हैं। यहाँ पे हमारी भिंडी बन रही है गाइस, भिंडी बन रही है हमारी। और चलिए मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, बाहर के कुछ मनाजिर अभी आपसे शेयर करती हूँ। अभी ना सूरज भी निकल आया है और देखते हैं बाहर। ये देखें अभी कौवे उड़ रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखिए सूरज निकल आया है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स बस गाड़ी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा हीट अप ले रही है। अम्मी जान गाड़ी स्टार्ट करेगी क्योंकि फिर ना गाड़ी एन वक्त पे स्टार्ट होती नहीं है क्योंकि ठंड है बाहर। आपको दिखाया मैंने माँ के ना फोग लगी पड़ी है। ये देखिए गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाए बस। बस अभी अम्मी ने ये देखिए व्यूअर्स गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। व्यूअर्स ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। ये रही भिंडी और ये मैं आधी रोटी ली है, बस ज़्यादा भूख नहीं थी तो आधी रोटी खाएंगे। देखते हैं कि भिंडी कैसी बनी है। आप सुनाए आपने आज नाश्ते में क्या बनाया है व्यूअर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी भिंडी बनी है। बस ये देखिए अभी ये ड्रेस मैं निकाल के आई हूँ। ये देखिए ये न्यू ड्रेस है मेरा, आज ये पहनूंगी और तैयार होके भी आपको दिखाऊंगी। तो ये बताइए बस ये ड्रेस आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और इसकी सिलाई भी देखें कितनी प्यारी है, हसीन है। इसकी लेसिंग भी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा ड्रेस है। तो मैं रेडी होके फिर आपके साथ बात करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा मियाँ तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मियाँ जी? जबरदस्त वीआईपी माशाल्लाह, तंदुरुस्त सेहतमंद। वाह वाह व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों रेडी हो गए हैं विलेज जाने के लिए, अपने गांव जा रहे हैं। तो मियाँ जी आप कितने एक्साइटेड हैं, बहुत वक्त बाद जा रहे हैं। वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फर्क मुझे इस चीज से पड़ रहा है कि मैं अकेला जा रहा हूँ या किसी के साथ जा रहा हूँ। और किसी लफ्ज में कौन मेरे साथ है वो फर्क पड़ता है। हाँ जी मैं मियाँ जी के साथ हूँ। और ये देखें भाई और भाई का बेटा भी तैयार हो गया है। जुबैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई जान? ठीक ठाक। ये देखें बच्चा भाई का, ये बहुत ज्यादा नींद में है। तो ये बस हम घर से बाहर निकलते हैं, इंशाल्लाह वो ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और मियाँ जी सब्सक्राइब बोल दें, सब्सक्राइब करें तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब या सब्सक्राइब? सब्सक्राइब। तो चलिए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। ना Thank you.
व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारा सफ़र कामयाब करे। ये देखिए व्यूवर्स, अभी मियाँ जी के साथ गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। ये रहा मियाँ जी का बैग, इसमें मियाँ जी की ज़रूरी चीज़ें हैं और ये मेरा सामान है शॉपर में। गाड़ी पूरी भर चुकी है सामान से, क्योंकि जब भी मैं विलेज जाती हूँ तो अपने साथ मतलब बहुत ज़्यादा सामान लेके जाती हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं ज़रूरतमंद, उनको दिया करती हूँ। तो ये देखिए अभी हम घर से निकल चुके हैं, गाड़ी चल रही है, आगे मियाँ, आगे भाई और अम्मी जान बैठी हुई है और पीछे मैं और मियाँ जी। हाय अम्मी। हाय, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो आज बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। गाइस, आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर कीजिएगा और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ मियाँ जी को, ये ड्रेस मुझ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मियाँ जी अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, प्यारी लग रही हूँ ना? प्यारी, बहुत ज़्यादा। ये रेडीमेड लिया था मैंने व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है और यहाँ पे देखें बकरियों की वो लगती है ना, मंडी लगती है, और इधर से ना हम बकरियाँ वगैरह खरीद करते हैं। तो लोग आ चुके हैं क्योंकि रमजान आ गया है, तो अभी यहाँ पे मतलब रमजान आने वाला है, आया तो नहीं है, लेकिन लोग ना पहले से ही खरीदारी करना स्टार्ट करते हैं। बस अभी हम यहाँ से फ्रेश जूस मंगवा रहे हैं, देखते हैं कौन सा जूस भाई पीता है और कौन सा हमारे लिए लेके आता है, वो आपको दिखाती हूँ फिर। और ये देखें सुबह का मंजर नौशर फ्रोज का, ये देखें गधा जा रहा है, गधे के ऊपर बंदा भी जा रहा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रेश जूस आ गया है, ऑरेंज का। मैं ऑरेंज का पी रही हूँ, बाकी मियाँ जी देखेंगे कौन सा पीना है और अम्मी कौन सा पीती है, लेकिन मैं ऑरेंज पी रही हूँ। फाइनली व्यूवर्स, हम अपने गांव आ चुके हैं और अभी हम आराम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतना ज़्यादा रास्ता ज़्यादा थकन हो गई है बहुत ज़्यादा। देखिए अम्मी जान यहाँ पे बैठी हुई है और मैं यहाँ पे मियाँ जी के साथ व्लॉग को एंड करने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, हमें दे इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।